नमस्कार दोस्तों, और आज एक फिर नए सफर में हम निकल पड़े हैं। सफर क्या है ये आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा, और मेरे पीछे देख रहे हैं आप हमारा जो बनपुर स्टेशन है, मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ। और हमारी जो गाड़ी है हल्दी एक्सप्रेस, आसनसोल हल्दी एक्सप्रेस है, जो अभी कुछ ही समय में यहाँ पर आने वाली है। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरुआत करते हैं, और इस ब्लॉग में आपको हम दो डेस्टिनेशन पर लेके जाएंगे, जो कि मिदनापुर जिले में, हमारे वेस्ट बंगाल के मिदनापुर जिले में ये दो डेस्टिनेशन पड़ते हैं। तो चलिए हमारी जो ट्रेन आने वाली है और बाकी बातें हम ट्रेन में करेंगे। तो लीजिए हमारे सफर की शुरुआत हो चुकी है, और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो जयचंडी पहाड़ है, ये आद्रा सेक्शन में पड़ता है, और आपको मैं उसका व्यू दिखा रहा हूँ। सुबह के अभी पहुंच चुके हैं, करीब 7:45 बज चुके हैं, और गाड़ी अभी फिलहाल आद्रा स्टेशन में इन करने वाली है। चलिए इस पूरे सफर को एंजॉय करिए। Gracias.
में हम लोग। चलो तो लीजिए दोस्तों, आखिर हम दीघा पहुंच गए हैं और बहुत ही टायर्डसम ये हमारा जर्नी रही। गर्मी से बुरा हाल है और अभी लगभग 7 बज चुके हैं और हमारी गाड़ी थोड़ा लेट से पहुंची है। लेट यानी 2 घंटे लेट हो गए। चलिए चलते हैं, होटल में चेक इन करते हैं और फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर एक्सप्लोर करते हैं हमारा दीघा शहर को। प्रॉब्ली आज तो कुछ एक्सप्लोर करने लायक नहीं है, सो कल ही हम दीघा को एक्सप्लोर करेंगे। ये रहा देखिए ये पूरी का जो मंदिर, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये दीघा में भी पूरी का मंदिर बन रहा है दोस्तों। ये रहा हमारा सेफ अराइवल एट दीघा और आपको सामने दीघा के 3 भाषाओं में यहाँ देखिए साइन बोर्ड नजर आ रहे हैं जो रेलवे स्टेशन के। और कितनी सारी भीड़ लग रहा है, जैसे कि ये ऑफ सीजन है, लेकिन ऑफ सीजन किसी भी तरह से नहीं लग रहा है। तो चलिए हम बाहर निकलते हैं और एक होटल में चेक इन करते हैं। तो टिल देन बाय बाय।